यहाँ पर तो पूरा कबाड़ खाना कर रखा है इन्होंने। और यहाँ देखो ये लीटे देख रहे हो पूरा कट्टा भर के, और जूते देखो नाइकी के बढ़िया बढ़िया शूज सस्ते। चोर बाजार जो आने का रीजन था वो ले। अभी सुबह के बज रहे हैं 4:35 और आज मैं जा रहा हूँ दिल्ली जामा मस्जिद, वहाँ पर एक चोर बाजार लगती है मार्केट। आप लोगों के काफ़ी कमेंट आ रहे थे भाई चोर बाजार जाओ और वहाँ की हमें वीडियो बना के दिखाओ, तो फटाफट यहाँ से निकलते हैं क्योंकि वहाँ पर जाने में सुबह सुबह ही फ़ायदा है। तो लेट्स गो, और अभी हमें फ़िलहाल 1 घंटा तो लग जाएगा जाने में, और पहुँचते हैं और आपको मार्केट दिखाते हैं कि कैसी मार्केट है वहाँ की। मैंने तो भाई मैं हालांकि बहुत बार पहले भी होके आ चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर से चलते हैं। फिलहाल गाइज मैं निकल चुका हूँ और अभी देखते हैं हम कितनी देर में पहुँच जाएंगे चोर बाजार और वहाँ पर क्या क्या मिलता है। कोई फ़ोन अच्छा सा मिलेगा वो भी लेके आएंगे। और फिलहाल तो अभी यार आप देख सकते हो थोड़ी रात है, और मतलब रात का सुबह ही होने वाली है। और बाकी आप भी कभी भी जाते हो तो सुबह सुबह जाना ज़रूरी है वहाँ पर, क्योंकि फिर जो है ना आप अगर लेट पहुँचते हो तो वो सामान आपको मिलता नहीं है जो आपको चाहिए है। हालाँकि मार्केट तो आपको दोपहर तक लगी मिल जाएगी, पर ज़्यादातर सामान बिक चुका होता है, तो हो सके जितना उतनी जल्दी जाओ, ठीक है। फाइनली गाइज हम लोग आ चुके हैं चोर बाजार मार्केट, और अभी सुबह के बज रहे हैं 5 और कैमरे में भी कुछ खास दिख नहीं रहा है, लेकिन ये देखो नाइकी के शूज इन्होंने मतलब कट्टों में भर रखे हैं और बहुत बहुत सस्ते, मतलब 1000-1500 रुपये के आसपास आपको दे देते हैं। जो मार्केट में आपको 3000-4000 रुपये के मिलते हैं वो आपको यहाँ 1000-1000 रुपये में मिल जाते हैं। फिर क्या था, हम थोड़ी सी आगे बढ़े और दिन हो गया, और दिन होने के बाद हमने देखा यहाँ पर लीटे देख रहे हो पूरा कट्टा भर के लीटे मिल जाती है आपको 20-20-30-30 रुपये में, ठीक है। और यहाँ पर देखो थोड़ा सा और आगे बढ़ने के बाद हमें और बहुत सारी लीटें दिखती हैं, और हेडफोन्स दिखते हैं, लैपटॉप दिखते हैं। फिर हम थोड़ा आगे बढ़े फिर हमें नाइकी के शूज़ वगैरह मिल जाते हैं, ओरिजिनल भी होते हैं इसमें, मतलब कॉपी भी होते हैं, तो आप जब भी खरीदो तो देख के ख़रीदना इसमें, और बहुत ज़्यादा रेट बताते हैं तो आप बार्गिंग करना इनसे यहाँ पर आने का, तब आपका फ़ायदा है। और थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद हमें ये कुछ दिख जाते हैं, यहाँ पर कैमरे वगैरह रखे हैं और पुराने ज़माने के आइटम हैं। फिर क्या था, हमें एक दूरबीन दिखती है, और हमने दूरबीन में देखा, इस दूरबीन में हमें दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिख था, फिर भी हमने ट्राई करते रहे देखने की, लेकिन हमें कुछ दिखा ही नहीं। उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़े और फिर हमें ये पुरानी आइटम एक कैमरा दिख जाता है। फिर क्या कहा, हमने कैमरा उनका वापस दे दिया। फिर उसके बाद हम थोड़ी सी आगे बढ़े, हमें लैपटॉप दिखते हैं दो बढ़िया ब्रांड न्यू, और फिर एक हमें वॉच दिखती है बहुत अच्छी, और फिर उसके बाद हमें मिल जाता है हमारे जिम का सामान। काफ़ी अच्छा अच्छा जिम का सामान था और सस्ता भी सामान था, लेकिन हमने कुछ लिया नहीं क्योंकि हम जाते हैं जिम में ओरिजिनल वाली, और हमें सामान की ज़रूरत खास थी नहीं। अगर बाकी आपको चाहिए तो आप यहाँ से ले जा सकते हो, सस्ता मिल जाएगा। फिर 2-3 घंटे घूमने के बाद हमें लगी थी भूख, और हम आ गए यहाँ पर बिरयानी की शॉप पर। हमने यहाँ पर पहले बिरयानी खाई ठूस ठूस के, पेट भर के बिरयानी खाने के बाद फिर हम दोबारा मार्केट में गए और हमें फिर से ये कबाड़ खाना देखने को मिला। और यहाँ पर तो वूफर मिल जाते हैं आपको बहुत बहुत सस्ते। फिर ये देख रहे हो यहाँ पर पूरा इन्होंने कबाड़ खाना फैला रखा है, अपना ढूंढ लो जो आपको चाहिए और इन्हें पैसे दे दो। मतलब सही है, अगर आपको कुछ ज़रूरत का सामान चाहिए तो यहाँ पर भी मिल जाएगा आराम से, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, पर यहाँ पर बार्गिंग करनी पड़ेगी। दोस्तों मैं फिर भी बोलूँगा आपको बार्गिंग की ज़रूरत है। थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद हमें हेडफोन्स दिख जाते हैं बढ़िया बढ़िया क्वालिटी के, ये सोनी का था। और बाकी अगर आपको टूल्स चाहिए तो आपको टूल बहुत बहुत अच्छे और सस्ते रेटों पर मिल जाएंगे। और क्या बताऊँ, इसमें जो है ना नोट भी मिल जाते हैं यहाँ पर, ये देख रहे हो किसी भी कंट्री के, आपको कोई भी पैसे वगैरह चाहिए डॉलर वगैरह पाकिस्तान के कहीं के भी चाहिए तो आपको यहाँ पर सब मिलेगा। तो गाइज अभी हम लोग आए थे चोर बाजार और अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से वापसी, क्योंकि हमें यहाँ पर कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिला और बहुत ज़्यादा महंगे महंगे आइटम है यहाँ पर। इतने में तो दुकान पे भी शूज़ वगैरह और फोन वगैरह भी मिल जाते हैं, बाकी अगर बार्गिंग कर लेते हो आप तो आपको अच्छे मिल जाएंगे। और फिलहाल हमारे पीछे है लाल किला, और हम अभी जामा मस्जिद से मतलब अंदर हम 4 बजे आए थे और काफ़ी देर से यहाँ घूम रहे हैं, बट अभी हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं, ठीक है। और हमारे साथ थे हमारे वसीम भाई, तो एक्सपीरियंस बताओ भाई। चोर बाजार जो आने का रीजन था वो लेने का था जूते। अच्छा, जूते हैं भैया 3000 रुपये के, बच्चों फटी इतने महंगे महंगे हम नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है, तो हम दुकान से लेंगे जूते चोर बाजार। तो चलते हैं फटाफट, हाँ अब चलते हैं, पार्किंग से बाइक निकालते हैं और यहाँ से निकलते हैं।
गाइस जब मैं यहाँ पर आया था तो इतनी मतलब बाइकें वगैरह नहीं खड़ी थी, अभी देख रहे हो आप यहाँ पर कितनी बाइकें पार्किंग में खड़ी है। और कभी भी आप आते हो तो पार्किंग में बाइक जरूर खड़ी करना, बाहर रोड पे कभी गलती से भी मत खड़ी कर देना वरना पुलिस वाले उठा ले जाते हैं बाइक। तो निकलते हैं यहाँ से और घर जाके आपको बताते हैं अभी इस टाइम मार्केट में फोन वगैरह क्यों नहीं मिल रहे हैं, और फोन पहले मिलते थे बट अभी नहीं मिल रहे। तो हम तो चलते हैं भाई, चलते हैं, बाय बाय दोस्तों। तो गाइज अभी हम आ चुके हैं वापस, और अगर आप चोर बाजार में जाते हो फोन वगैरह खरीदने के लिए तो आपको वहां पर अभी इस टाइम फोन नहीं मिलेंगे, क्योंकि वहां पर अभी जो था ना किसी ने एक चोरी का फोन खरीद लिया था तो पुलिस वालों ने पूरी मार्केट सील करवा रखी है। वहां पर अगर आप फोन लेने जाते हो तो मत जाना, और बाकी अगर आपको शूज वगैरह चाहिए तो आपको सस्ते सस्ते रेटों पे मिल जाएंगे, और बहुत सारा सामान है आप जाके देखो। मैं तो बोलूँगा यहाँ पर जाना जरूरी भी है, आपको बहुत सारी नॉलेज इकट्ठी होगी और काफ़ी अच्छा अच्छा सामान भी आप ला सकते हो, कपड़े वगैरह भी मिल जाते हैं बहुत सस्ते। और फिलहाल अभी यहाँ पर फ़ोन नहीं मिलेगा तो फ़ोन के लिए बिल्कुल भी मत जाना। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में, जब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।